अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ मटन गोला कबाब। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने चर्बी के साथ में मैंने जो मटन था उसका कीमा बनवा के लिया है हाफ के जी। इसको मैंने 2 से 3 मरतबा अच्छे से वॉश कर लिया और इसको मैंने 1 घंटे तक ड्रेन करके रख लिया था। अभी इसके अंदर जो इन्ग्रीडियंट्स जाएंगे वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। यहाँ पर रॉ पपैया मैंने लिया हुआ है, 2 इंच का टुकड़ा लिया था। इसको ज़्यादा मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा 2 इंच का टुकड़ा लिया है। यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज ली थी, उसको मैंने ब्राउन कर लिया है, ये देखिए। और यहाँ पर सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जाएगा। यहाँ पर मैंने 3 ग्रीन चिली ली है, थोड़ा सा कोरिएंडर जाएगा इसमें। यहाँ पर पॉपी सीड जाता है, खसखस 1 टीस्पून मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने लिया है योगर्ट है, दही है। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मैंने चने का आटा लिया हुआ है, बेसन। और यहाँ पर मैंने लिया है होल स्पाइस गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और यहाँ पर मैंने चॉप्ड ऑनियन लिया हुआ है। और ऑयल हमें लगेगा फ्राई करने के लिए। और आप इसको बनाकर भी रख सकते हो, 15 से 20 दिन तक आप फ्रीजर में रख लीजिए, और जब भी आपको खाना है तो आप इसको 15 मिनट पहले निकाल लीजिए और फिर इसको खा लीजिए, सॉरी फ्राई करके देन फिर आप खा लीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ये मैं खाली प्याज को और थोड़ा सा कोरिएंडर को छोड़ दूंगी, बाकी हाफ कोरिएंडर मैं ऐड करूंगी, हाफ मैं छोड़ दूंगी, और बाकी मैं इसको एक ही साथ ग्राइंडर में डालकर पीस लूंगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बस इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। तो मैं ग्राइंड पे देखिए मैंने अच्छे से इसको पीस लिया है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने इसके अंदर प्याज नहीं ऐड किया था, तो अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी। हाफ मैंने हरा धनिया ऐड किया था और आधा मैंने रख दिया था, तो मैं अभी इसमें हरा धनिया भी ऐड करूंगी। और फिर इसके बाद में मैं इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप ऐड करिएगा, मैं अपने हिसाब से इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और बहुत मुझे किसी ने पूछा था, यहाँ पर ये जो चने का आटा है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, मैंने हाथों से मिक्स किया है और इसे हाथ से ही मिक्स करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा अगर आप चाहो तो अपने हाथ पर ऑयल लगा लीजिए ताकि ये जो कीमे का जो बैटर है वो अपने हाथों में चिपके नहीं। और इस तरीके से मैं इसको गोल कर लूँगी, और इसको वैसे तो सीख में लगाते हैं तो वैसे ही मैं गोल करके इसको सीख में लगा दूंगी। और मुझे बहुत से लोगों ने जैसे पूछा था कि टिप दे दीजिए कि कुर्बानी का गोश्त नहीं गलता है, तो मैं बताते हुए चलूँ कि आपने रॉ पपैया आजकल मार्केट में मिल जाता है तो आपने वो भी यूज़ कर सकते हो आप। और सबसे इजी वाला बता देती हूँ सेकंड, ये मेरी मम्मी की ट्रिक है, देखते हैं वो जब 4 से 5 सीटी ले लेते हैं और उसके बाद में भी गोश्त नहीं गलता है तो वो क्या करते हैं, खाने का जो सोडा होता है उसको वो 1/2 टीस्पून उसमें ऐड कर देते हैं। कोई भी ग्रेवी वो बना रहे होते हैं उसमें वो ऐड कर देते हो, मटन में या फिर जो भी आप बना रहे हो, इवन ऐसा करके तो वो पाए भी गला लेते हैं, तो वो 1/2 टीस्पून उसमें खाने का सोडा ऐड कर देते हैं और उसके 2 सीटी के बाद में गोश्त कैसा भी हो वो झट से गल जाता है। तो ये मैंने 2 बताया है, रॉ पपैया तो सबको पता होता है, एक रॉ पपैया, ये देखिए बातों में मैं बताना भूल गई कि ये देखिए इस तरीके से आपको सिर्फ शेप दे देना है और सीख से इसको निकाल लेना है, सीख की जो कांडी होती है उसे निकाल लेना है। बस ऐसे ही मैं सारे बना लूंगी। देखिए मैं एक और बता देती हूँ आपको, ये देखिए पहले इसको इस तरीके से राउंड किए, बहुत ही सिंपल है, राउंड कर दीजिए और उसके बाद में आपने इसको बीच में से इस तरीके से शेप दे देना है, बस सिंपल है। इसके बाद में आप चाहो तो इसको एज इट इज एयरटाइट कंटेनर में फ्रीजर में रखिएगा तो ये रहेगा, वरना तो नहीं रहेगा। तो आपने इसको 10 से 15 दिन के लिए आप रख सकते हो, 20 दिन भी रख सकते हो, जब भी आपका खाने का दिल करे तो आप इसको निकाल कर खा सकते हो, मतलब फ्राई करके देन फिर आप खा सकते हो। तो चलिए मैं ऐसे ही सारे बना लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अभी मैं इसमें, आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, वरना ये है कि गोल शेप मैंने दिया है इसको, तो ये होगा कि बाहर से तो ये अच्छा पक जाएगा, मतलब कि कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से थोड़ा सा कच्चा हो जाएगा, तो इसीलिए आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो अभी मैं इसे राउंड राउंड करते हुए सारा पका लूँगी फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी ये एक साइड से हो गए हैं, तो अभी मैं इसे टर्न करते हुए इसी तरीके से पका लूँगी, ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गया है, तो अभी मैं इसे निकाल के सर्व कर रही हूँ। तो चलिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।